एक तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं हरियाणा के करनाल जिले से, जहां पर आप साफ तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो छात्र हैं उनकी यहां पर मौजूदगी देखी जा रही है और नगर निगम के जो अधिकारी हैं उनकी भी यहां पर मौजूदगी देखी जा रही है। स्वच्छ भारत मिशन हरियाणा से जो वाइस चेयरमैन हैं उनकी भी यहाँ पर मौजूदगी देखी जा रही है। ये आप देख सकते हैं स्वच्छता को लेकर फिर दोबारा से करनाल सी एम सिटी में इस प्रकार के जो विशेष कार्यक्रम है वो यहाँ पर देखे जा रहे हैं, तो बात करने की पूरी कोशिश की जाएगी। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस विषय पर आज यहाँ पर पहुँचे आप? हाँ जी, आज का जो कार्यक्रम है वो स्वच्छता अभियान की शुरुआत है। जैसा कि माननीय सुभाष चंद्रा जी जो हमारे साथ हैं, हरियाणा के स्वच्छता अभियान के वाइस चेयरमैन हैं, और माननीय SDM इंद्री हमारे साथ हैं, तो उनके निर्देशन में माननीय मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर ये अभियान करनाल में हम चला रहे हैं। हमारा NSS के जो विंग है डॉक्टर बलराम शर्मा जी उनके नेतृत्व में सारे विद्यार्थी यहाँ पे जो भी उनको मार्गदर्शन दिया गया बताया गया है उस संदर्भ में स्वच्छता का काम जो है वो कर रहे हैं, लोगों को मोटिवेट करने के लिए। जैसा कि आपको पहले भी मेरे से पहले वक्ताओं ने बताया कि संत शिरोमणि संत रविदास जी की जन्म दिवस के उपलक्ष में ये पूरे हरियाणा में ये अभियान चलाया गया है, तो हमारे छात्र भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। और मैं इस कार्यक्रम में विशेष तौर पर उपस्थित स्वच्छता अभियान के वाइस चेयरमैन श्री सुभाष चंद्रा जी का अभिनंदन करता हूं, इस SDM साहब का अभिनंदन करता हूं, उनके साथ जो भी यहां सहयोगी आए हैं मीडियाकर्मी हैं सबका अभिनंदन करता हूं, और ये उम्मीद करता हूं कि विद्यार्थियों के द्वारा जो संदेश दिया जाएगा वो वास्तव में जो हरियाणा सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी जो चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी वैसा हम अपने करनाल जिला में कर पाएंगे। आज के सफाई अभियान में कितने बच्चे सहयोग कर रहे हैं? हमारे 100 के लगभग विद्यार्थी हैं, NSS वॉलंटियर्स हैं जो इस कार्यक्रम में सहयोग कर रहे हैं, जो पूरा दिन स्वच्छता अभियान में काम करेंगे। इसमें लड़के लड़कियां दोनों लड़के और लड़कियां दोनों हैं, क्योंकि ये कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है वैसे NSS का, लेकिन यहाँ पे माननीय श्री सुभाष चंद्रा जी के निर्देशन में हम ये काम कर रहे हैं। तो सुभाष जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करने की पूरी कोशिश करते हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे, आज किस पर कैसा प्रोग्राम था? माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मनोहर लाल जी वह हमारे जो पंचायत मंत्री आदरणीय श्री देवेंद्र बबली जी उनके आह्वान पर उनके निर्देशन पर पूरे प्रदेश में संत शिरोमणि संत रविदास जी की जन्म शताब्दी पर जन्म दिवस पर पूरे प्रदेश में स्वच्छता महाअभियान ये उनके जन्म दिवस के रूप में मनाने का निर्णय सरकार ने लिया है। और संत जो है वो किसी जाति विशेष समुदाय विशेष के नहीं हुआ करते, ये सर्व समाज के हुआ करते हैं। इन्होंने संत रविदास जी ने अनेक सामाजिक परिवर्तन अनेक सामाजिक बुराइयों को मिटाने का काम किया, और ये जो स्वच्छता है ये भी एक सामाजिक बुराई है, सॉरी गंदगी, इसको मिटाने के लिए हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री वो पूरी तरह से कृत संकल्पित हैं। और आज उनके निर्देशन में जो ये कार्यक्रम पूरे प्रदेश के अंदर ग्राम सभाओं में ग्राम पंचायतों में शहरों में नगर निगम में ये जो एरिया है हुड्डा कॉम्प्लेक्स के अंडर ये एरिया आता है, आज इस एरिया के अंदर हुड्डा के जो हमारे EO हैं श्री सुमित सियाग जी, इनके पास SDM इंद्री का चार्ज भी है, इनके निर्देशन में और हुड्डा के कर्मचारी और DAV कॉलेज के जो प्राचार्य हैं डॉक्टर सैनी साहब और NSS के प्रमुख डॉक्टर बलराम जी, डॉक्टर अपने ये DAV कॉलेज के NSS के सारे स्वयंसेवक आज स्वच्छता श्रमदान करके एक करनाल वासियों को संदेश देने का काम करेंगे कि स्वच्छता जो है हमारा एक व्यवहारिक विषय है और स्वच्छता के लिए हम सबको मिलकर के काम करने की आवश्यकता है। ये सिंबॉलिक संदेश प्रेरणात्मक संदेश DAV कॉलेज के माध्यम से DAV कॉलेज के NSS विंग के माध्यम से पूरे करनाल वासियों को देने का प्रयास आज किया गया, ये सराहनीय है। इसके लिए मैं न केवल अपनी ओर से बल्कि माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से भी और पंचायत मंत्री आदरणीय श्री देवेंद्र बबली जी की ओर से कॉलेज की समस्त प्रबंधन समिति को प्राचार्य महोदय को NSS प्रमुख हो और सभी छात्रा छात्राओं को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएँ देना चाहूँगा।
फिलहाल आप ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से काफ़ी छात्रों की यहाँ पर जो है मौजूदगी देखी जा रही है और किस प्रकार से जो एक संदेश है वो यहाँ पर जरूर दिया जा रहा है। तो जितने भी लोग हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को आप शेयर भी अवश्य करें। हरियाणा के करनाल जिले की इस वक्त हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहाँ पर आप साफ तस्वीरों में देख सकते हैं कि स्वच्छता को लेकर, जी हाँ, स्वच्छता को लेकर एक किस प्रकार से कार्यक्रम का आयोजन किया गया और किस प्रकार से आप ये देख सकते हैं कि जो ग्लव्स हैं वो अब हाथों में जरूर डाले जाएंगे और स्वच्छता अभियान इस प्रकार से आज करनाल जिले में देखा जा रहा है। तो जितने भी लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को आप शेयर भी अवश्य करें। हरियाणा के करनाल जिले की ये तस्वीरें हैं, अपडेट आपको देते रहेंगे।